नमस्कार मित्रों, वैकल्पिक प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज के मेरे इस वीडियो का विषय है यशपाल जी द्वारा रचित पाठ दुख का अधिकार पाठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। पहला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? आपके ऑप्शंस हैं, पोशाक मनुष्य के सामाजिक स्तर को दर्शाती है, पोशाक के द्वारा ही मनुष्य अपने और अन्य मनुष्यों में भेद करता है, खास परिस्थितियों में पोशाक हमें नीचे झुकने से रोकती है, या फिर उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, दुख का अधिकार कहानी में लेखक क्या बताना चाहता है? आपके ऑप्शंस हैं, दुख व्यक्त करने का अधिकार अमीरों को ही होता है, गरीब आदमी को दुख की अनुभूति कम होती है, या फिर गरीब आदमी को दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है, या फिर दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। इसका उत्तर है दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यशपाल की नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, देशद्रोही, भाषा और समाज, ज्ञानदान, मेरी तेरी उसकी बात। इसका उत्तर है भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कब और कहां हुआ? आपके ऑप्शंस हैं, सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में, 1913 में अंबाला छावनी में, 1903 में कानपुर में, 1905 में बरेली छावनी में। इसका उत्तर है सन 1903 में फिरोजपुर छावनी में। अगला प्रश्न है, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? आपके ऑप्शंस हैं, बच्चे के, बुढ़िया के, दुकान वाले के, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बुढ़िया के। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आई? आपके ऑप्शंस हैं, अपनी माँ की, गांव की, संभ्रांत महिला की, या फिर बच्चों की। उत्तर है संभ्रांत महिला की। अगला प्रश्न है, समाज में मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा कैसे सुनिश्चित होता है? आपके ऑप्शंस हैं, रहन सहन से, खान पान से, पोशाक से, या फिर क ख दोनों। इसका उत्तर है पोशाक से। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं, भगवाना, भगावना, भागवाना, या फिर भागवन। इसका उत्तर है भगवाना। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया के बेटे की मृत्यु कैसे हुई? आपके ऑप्शंस हैं, बीमारी से, सांप काटने से, दुर्घटना से, या फिर आत्महत्या से। इसका उत्तर है सांप के काटने से। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को पुत्र की मृत्यु के अगले दिन बाजार क्यों आना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं, खरबूजे बेचने, घूमने, सब्जी खरीदने, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है खरबूजे बेचने। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को कोई उधार क्यों नहीं देता? आपके ऑप्शंस हैं, वह गरीब थी, उसका पति नहीं था, उसका पुत्र मर गया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उसका पुत्र मर गया था। अगला प्रश्न है, कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर कौन रो रही थी? आपके ऑप्शंस हैं, सब्जी बेचने वाली,
बर्तन बेचने वाली, खरबूजे बेचने वाली या फिर कपड़े बेचने वाली? इसका उत्तर है खरबूजे बेचने वाली। अगला प्रश्न है, संभ्रांत महिला पुत्र वियोग में कितने महीने पलंग से न उठ सकी थी? आपके ऑप्शंस हैं 2 महीने, 1 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। इसका उत्तर है 2.5 महीने। अगला प्रश्न है, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा किससे सुनिश्चित होता है? आपके ऑप्शंस हैं रहन सहन से, खान पान से, पोशाक से या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पोशाक से। अगला प्रश्न है, जवान बेटे के मरने पर कितने दिन का शोतक होता है? आपके ऑप्शंस हैं 12 दिन का, 13 दिन का, 10 दिन का या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 13 दिन का। अगला प्रश्न है, पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे लोग किस भाव से स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे? आपके ऑप्शंस हैं ईर्ष्या से, खुशी से, गुस्से से या फिर घृणा से। इसका उत्तर है घृणा से। अगला प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली का लड़का परसों सुबह क्या चुन रहा था? आपके ऑप्शंस हैं पके बेर, पके खरबूजे, पके आम या फिर पके अमरूद। उत्तर है पके खरबूजे। अगला प्रश्न है, सांप काटने पर लड़की की माँ किसे बुला लाई? आपके ऑप्शंस हैं ओझा को, डॉक्टर को, गांव वालों को या फिर पड़ोसी को। इसका उत्तर है ओझा को। अगला प्रश्न है, सर्प के विष से लड़के का बदन कैसा हो गया था? आपके ऑप्शंस हैं ठंडा, कड़ा, काला या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है काला। अगला प्रश्न है, लेखक किसके रोने का कारण नहीं जान सका? आपके ऑप्शंस हैं बच्चे के, स्त्री के, भिखारी के या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है स्त्री के। अगला प्रश्न है, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई? आपके ऑप्शंस हैं घर की, गांव की, बच्चे की या फिर संभ्रांत महिला की। इसका उत्तर है संभ्रांत महिला की। अगला प्रश्न है, पुत्र की मृत्यु के अगले दिन बाजार किसे आना पड़ा? आपके ऑप्शंस हैं लेखक को, पड़ोसी को, बुढ़िया को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बुढ़िया को। अगला प्रश्न है, लेखक ने पोशाक की तुलना किससे की है? आपके ऑप्शंस हैं पुरानी किताब से, कटी हुई पतंग से, उच्च वर्ग से या फिर सामाजिक व्यवस्था से। इसका उत्तर है कटी हुई पतंग से। अगला प्रश्न है, किसके मरने पर 13 दिन का सूतक होता है? आपके ऑप्शंस हैं वृद्ध व्यक्ति के, जवान लड़की के, बच्चे के या फिर जवान बेटे के। इसका उत्तर है जवान बेटे के। अगला प्रश्न है, लोगों ने किसे पत्थर दिल कहा है? आपके ऑप्शंस हैं लेखक को, बुढ़िया को, भगवाना को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बुढ़िया को। अगर वीडियो से लाभ हुआ हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इस जानकारी को शेयर कीजिए। और आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हिंदी भाषा से संबंधित नवीनतम जानकारी, क्विज, पाठों के एनिमेटेड वीडियो,
कविताओं के सरलार्थ और पाठ के प्रश्नोत्तर की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।